यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेस है ना। हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे थे जिसमें हम एक रूल बता दिए थे कि भोवेल के साथ एन लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है, जिसमें अपवाद बता रहे थे। अपवाद में हम बताए थे कि जब ओ का उच्चारण व से शुरू होगा, यू का हिंदी उच्चारण यू से शुरू होगा, तो ए का प्रयोग करना क्योंकि वह एक अपवाद है। आर्टिकल्स का हम लोग डिस्कस कर रहे थे है ना। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बोले कि 11 में आर्टिकल्स पढ़ा चुके हैं, लेकिन उतना आपको बताना नहीं है, 12 है। इसमें क्या पढ़ाना है हमको जो हम पर छोड़ दीजिए है ना, उतना नहीं बताना है। जो जिससे उतना ही रूल को फॉलो करना है, उतना ही रूल को हम बताएंगे जिससे प्रश्न आ जाएगा, जिससे आपका सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और 21 तारीख से कोचिंग खुल रहा है सरकार के निर्देशानुसार, इसलिए आप लोग 21 तारीख को आइए। ऑफलाइन आपको पढ़ाई होगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आपका जितना भी प्रोज है, कहानी है, वो सभी आपको ऑफलाइन में ही आपको समझ आएगा। सिर्फ हिंदी का देने से कुछ होगा नहीं, इसलिए आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि 21 तारीख को आइए और फटाफट हम लोग अपने सिलेबस को कम्प्लीट करेंगे। आप लोग का मोस्ट वेलकम है ना। जितने भी विद्यार्थीगण हैं वो सभी 21 तारीख को कोचिंग में आइए जहानाबाद। आपको ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी जिसमें आप लोग को है ना लगातार आपका प्रोज सेक्शन है वो बतला दिया जाएगा है ना, बेहतरीन तरीका से। क्योंकि कहानी आप जब तक अच्छे तरीका से नहीं सुनिएगा, ना उसको ऑब्जेक्टिव बनेगा, ना समरी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि प्रोज से भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। इसलिए कहानी बहुत अच्छे तरीका से आपको समझना पड़ेगा, लंबा कहानी है, इसलिए आप लोग को मोस्ट वेलकम है। जो भी और शेष बचा हुआ है ग्रामर या बुक, वो सभी आप लोग को ऑन टाइम समाप्त कर दिया जाएगा। किसी कारणवश हम पढ़ा नहीं रहे थे, खुद आप लोग जानते हैं कि किस परिस्थिति से हम अभी गुजरे हैं, लेकिन तो पर भी आपको 21 तारीख से क्लास सुचारू ढंग से चालू हो जाएगा। आप लोग आइए और ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए किस तरह से हमको क्या करना है। और आप लोग को हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम। 21 तारीख को आइए जहानाबाद में। हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे थे जिसमें हम आपको बताए थे कि जब ओ का हिंदी उच्चारण व से शुरू हो और यू का हिंदी उच्चारण यू से शुरू हो, तो वहां पर ए का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह एक अपवाद है ना। जैसे यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म देखिए यू है जो भोवेल है, लगना चाहिए था एन, लेकिन यूनिफॉर्म हम लोग ऐसे लिखते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब पोशाक होता है। देखिए यहाँ यू का हिंदी उच्चारण यू से शुरू हुआ, इसलिए क्या लगा, ये लगा है ना। तो इसलिए आपको बताना है ना। देखिए यूनानिमस डिसीजन, देखिए यहाँ यूनानिमस डिसीजन, इसका मतलब हुआ सर्वसम्मत निर्णय है ना। यूनानिमस डिसीजन का मतलब सर्वसम्मत निर्णय, यानी सब का मिला जुला हुआ, जो बहुत सारे व्यक्ति हैं सभी मिलके एक निर्णय देते हैं, उसे कहते हैं यूनानिमस डिसीजन है ना। तो यू का हिंदी उच्चारण देखिए यू से शुरू हुआ, ये लगा। जैसे यूटेंसिल यू भोवेल है, लगना चाहिए था एन, लेकिन यूटेंसिल मतलब बर्तन, तो यू का हिंदी उच्चारण यू से शुरू हुआ, इसलिए का प्रयोग हुआ। यूरोपियन है ना, देखिए यहाँ यूरोपियन यू का उच्चारण यू से शुरू हो रहा है, यहाँ पर यू तो साइलेंट है, उच्चारण आपका यहाँ से हो रहा है यूरोपियन से है ना। तो यहाँ पर यू का हिंदी उच्चारण यू से शुरू हुआ है, यूरोपियन हम लोग ऐसे ना लिखते हैं, देखो यहाँ यूरोपियन, तो यहाँ पर क्या लगा, ए लगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भोवेल के साथ एन का प्रयोग किया जाता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भोवेल में जब ओ का हिंदी उच्चारण व से शुरू हो और यू का हिंदी उच्चारण यू से शुरू हो, वहां पर ए का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक अपवाद है। इसको लिखिए, देखो यहां रूल नंबर 2 समझेंगे पहले इसको। एब्रीविएशन संक्षेपक,
संक्षेपक में भी जब जब हिंदी उच्चारण संक्षेपक में भी जब हिंदी उच्चारण कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो तब ए तथा वोवेल लेटर से एब्रीविएशन में भी जब हिंदी उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो तब ए तथा वोवेल लेटर से तथा वोवेल लेटर के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। एन का प्रयोग किया जाता है। अब समझिएगा, संक्षेपक में भी जब हिंदी उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो तब ए तथा वोवेल लेटर के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। संक्षेपक में भी है ना, जब हिंदी उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए लगेगा, वोवेल लेटर से शुरू होगा तो एन लगेगा, है ना। अब देखिए संक्षेपक क्या है, है ना। जब किसी नाउन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसी को हम संक्षेपक कहते हैं। जैसे एमपी, एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम लोग एमपी ऐसे लिख देते हैं, इसी को कहते हैं संक्षेपक, है ना। जैसे वीडियो को होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो हम लोग वीडियो ऐसे लिख देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं संक्षेपक, शॉर्ट फॉर्म। एसपी को होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो एसपी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ये सब क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, इसी को कहते हैं संक्षेपक। जब किसी नाउन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, संक्षेपक में लिखते हैं, उसी को एब्रीविएशन कहते हैं। तो ये नियम का हम पालन तब करेंगे जब किसी नाउन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, संक्षेपक में लिखेंगे, तब वहां पर हिंदी उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए लगेगा, और वोवेल लेटर रहेगा तो एन लगेगा। कौन उच्चारण, हिंदी उच्चारण। लेकिन ये नियम का हम पालन तब करेंगे जब किसी चीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, संक्षेप में लिखेंगे, है ना। संक्षेप का मतलब भी बता दिए थे आपको, है ना। तो अब देखो हिंदी उच्चारण से पकड़ना, तो भोवेल में, हिंदी में भोवेल कौन कौन है, है ना। तो आना ई सबको क्या कहते हैं हम लोग, भोवेल कहते हैं। ए ये सब क्या है, भोवेल है ना। अगर आ ई उ ए से शुरू होगा तो उसके साथ एन लगेगा, और बाकी का है, खा है, ट है, उसके साथ क्या लगेगा, ये लगेगा। तो हिंदी उच्चारण हम लिखवाए हैं, ये नियम का हम पालन तब करेंगे जब किसी चीज को हम लोग संक्षेप में लिखेंगे, जब संक्षेप में लिखेंगे तो उसका हिंदी उच्चारण है ना कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ये लगेगा, वोवेल से शुरू होगा तो एन लगेगा। और हिंदी में वोवेल कौन है, आ ई उ ए ऐ ओ, ये सब क्या है, वोवेल है। तो ये नियम का हम पालन तब करेंगे जब किसी चीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो इसको हिंदी उच्चारण से पकड़ना है, ये हिंदी उच्चारण का हम प्रयोग तब करेंगे जब किसी चीज को हम लोग संक्षेप में लिखेंगे। जैसे देखिए हम, आप हमेशा माइंड में रखिएगा, इसको हिंदी उच्चारण से पकड़ना है, और हिंदी उच्चारण को हम तभी पकड़ेंगे जब उसका किसी चीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये नियम का हम पालन तब करेंगे जब किसी चीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, संक्षेप में लिखेंगे, तब उसका हिंदी उच्चारण वोवेल से शुरू होगा तो एन लगेगा, और कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए लगेगा। हिंदी उच्चारण, हिंदी में वोवेल है आ ई उ ए ऐ औ, ये सब क्या है, वोवेल है। जैसे देखो यहां समझिएगा, जैसे एम पी, एम पी है ना। तब ढेर विद्यार्थी के लगा कि एम कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ए लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा। एमपी तो सही है, एमपी क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है, संक्षेप में लिखे, इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
लेकिन एमपी को आप संक्षेप में लिखिए लिखे हैं तो संक्षेपक में हिंदी उच्चारण से पकड़ना है, तो हिंदी में हम लोग ऐसे में लिखते हैं बाबू एम पी। तो देखो हिंदी में ए क्या है बाबू, ए क्या है हिंदी में, ए है जो गोवेल है आ आ ई ए अभी बतलाए थे, तो ये हिंदी उच्चारण देखिए यहाँ, ए है जो क्या है भोवेल है, तो भोवेल के साथ क्या लगेगा एन लगेगा। जैसे देखो यहां समझना पहले, जैसे बीडीओ बीडीओ बी ये जो बी उच्चारण है इससे नहीं पकड़ना है, इसका हिंदी उच्चारण से, तो वीडियो हम लोग कैसे लिखते हैं वी डी ओ हिंदी उच्चारण, वीडियो एक शॉर्ट फॉर्म है संक्षेपक है, तो हिंदी में देखिए यहाँ वह क्या है ना कॉन्सोनेंट है, यहाँ क्या लग जाएगा ये लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ समझना पहले, जैसे एस आई मतलब सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का मतलब दारोगा है ना, एस आई तब ढेर विद्यार्थी के लगा कि एस कॉन्सोनेंट है ये लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, इसका हिंदी उच्चारण से पकड़ना है, तो एस आई एस आई ऐसे ना लिखते हैं, तो देखिए यहाँ एस आई हिंदी उच्चारण पकड़ना है, तो हिंदी में ए क्या है भोवेल है, यहाँ पर क्या लग जाएगा एन लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ एफ ओ फाइनेंस ऑफिसर, एफ ओ देखो यहाँ एफ ओ हिंदी में देखो ए क्या है भोवेल है, तो यहाँ पर क्या लगेगा एन लगेगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि नियम का हम पालन तब करेंगे जब किसी चीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे संक्षेप में लिखेंगे, और जब किसी चीज को हम लोग संक्षेप में लिखेंगे तो उसका हिंदी उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए लगेगा, भोवेल से शुरू होगा तो एन लगेगा हिंदी उच्चारण। और हिंदी में भोवेल आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन आता है अ है आ है ई है ऊ है ए है औ है, ये सभी क्या है भोवेल है। अगर इसका हिंदी उच्चारण आ आ ई ऊ से शुरू होगा तो वहां पर एन लगेगा, और बाकी क है खा है ट है जो हिंदी उच्चारण है कॉन्सोनेंट का उसके साथ ए लगेगा। ये नियम का हम पालन तभी करेंगे जब किसी चीज को हम लोग संक्षेप में लिखेंगे। लिखो इसको तो बतलाते हैं, जैसे देखो यहां जैसे एम ए देखो यहां एम ए ढेर विद्यार्थी के लगा कि एम तो पहले समझिएगा कि इस तरह से लिखा हुआ है तो ये क्या है संक्षेपक है, तो इसका हिंदी उच्चारण से पकड़िएगा, ढेर विद्यार्थी के लगा कि एम कॉन्सोनेंट है ये लगा दें तो गलत हो जाएगा, इसके हिंदी उच्चारण से पकड़े तो एम ए एम ए हम लोग ऐसे ना लिखते एम ए एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो ए हिंदी में ए क्या है रे बाबू ए है जो क्या है कौन भोवेल है, तो भोवेल है तो क्या लगेगा एन लगेगा, हिंदी उच्चारण से पकड़ना। जैसे देखो यहां बी एस सी बैचलर ऑफ साइंस, बी एस सी शॉर्ट फॉर्म है, अब इसका हिंदी उच्चारण हम लोग ऐसे लिखेंगे बी ए सी, तो देखो यहां हिंदी में वह क्या है रे बाबू कॉन्सोनेंट है ए लगेगा। जैसे एम एस सी मास्टर ऑफ साइंस, एम एस सी ए एम देखो यहां ए क्या है भोवेल है इसलिए क्या लग गया एन एम एस सी। अब देखो यहां ये आप यहां पर आपको हम उच्चारण के लिए लिखे हैं एम एस सी एम एस सी एम एस सी। अब देखो यहाँ ए क्या है भोवेल है तो इसलिए ए क्या लगा एन। जैसे देखो यहाँ जैसे देखो एस पी एस पी सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो एस तो लग रहा है कि कॉन्सोनेंट है ये लगा था लेकिन हिंदी उच्चारण से पकड़ना, तो एस पी में देखो यहाँ एस पी हम लोग ए क्या है रे बाबू ए है जो क्या है भोवेल है, एस का उच्चारण यहाँ पर ए आ रहा है क्योंकि संक्षेपक है इसलिए क्या लगेगा एन।
एसपी, आप देखो यहां जैसे डीएम, डीएम तो इसका उच्चारण आप लोग लिखिएगा डीएम, तो डा रहा उच्चारण, डा क्या है कॉन्सोनेंट है इसलिए क्या लगेगा ए। जैसे देखो यहां यू आर एम एस सी, यहां क्या लिखेंगे एन एम एस सी। जैसे माई ब्रदर इज बी ए है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो बी ए तब वह क्या है कॉन्सोनेंट है ये लगेगा। जैसे जैसे गणेश, गणेश इज एम एल ए, एम एल ए, तो एम एल ए, एम का उच्चारण ए होता है, आ ए क्या है भोवेल है इसलिए क्या लगेगा आई एन एम एल ए। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी चीज को हम लोग संक्षेप में लिखेंगे तभी ये नियम को पालन करेंगे। जब किसी चीज को हम लोग संक्षेप में लिखेंगे और उसका हिंदी उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए लगेगा और भोवेल से शुरू होगा तो ए लगेगा। भोवेल कौन है हिंदी में आप लोग भली भांति जानते हैं, अ आ ई ऊ ए औ, ये सभी क्या है भोवेल है, ये सभी शब्दों से शुरू होगा तो एन का प्रयोग होगा और बाकी के साथ ए का प्रयोग होगा। ये नियम का हम पालन तभी करेंगे जब किसी चीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, संक्षेप में लिखेंगे। इसको नोट करो, थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आएगा। इसको याद रखिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका पहला अक्षर, पहला अक्षर एच साइलेंट, छिपा रहता है, साइलेंट मतलब छिपा रहता है। कुछ ऐसे शब्द है जिसका पहला अक्षर एच साइलेंट रहता है, अर्थात अर्थात एच के बाद, एच के बाद आने वाले, एच के बाद आने वाले लेटर मतलब अक्षर के अनुसार, के अनुसार आर्टिकल का, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका पहला अक्षर एच साइलेंट रहता है, अर्थात एच के बाद आने वाले लेटर के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ये नियम का हम पालन तब करेंगे, कुछ ऐसा शब्द रहेगा जिसमें एच साइलेंट रहेगा। साइलेंट का मतलब कि एच का उच्चारण नहीं होगा, यहां समझो एच का उच्चारण ह होता है, एच का उच्चारण क्या होता है ह होता है, एच का उच्चारण ह होता है। एच साइलेंट का मतलब यह हुआ बाबू कि एच का उच्चारण ह नहीं होगा, है ना। हम अगर लिखाए हैं कि जिसका पहला अक्षर एच साइलेंट हो, एच साइलेंट का मतलब कि एच का उच्चारण ह होता है, वहां पर एच का उच्चारण ह नहीं होगा। तब ऐसे कंडीशन में एच के बाद आने वाला जो लेटर रहेगा उसके अनुसार हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो हम आपको फिर से बता देते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका पहला अक्षर एच साइलेंट रहता है, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें एच का उच्चारण ह नहीं होगा। तब ऐसे कंडीशन में
एज के बाद आने वाले आर्टिकल के अनुसार, एज के बाद आने वाले लेटर के अनुसार हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। तो ये नियम का हम पालन तब करेंगे कि वैसा सब जिसमें एच का उच्चारण ह ना हो, यानी एच वहां पर साइलेंट हो, साइलेंट का मतलब कि एच का उच्चारण ह ना हो, वहां पर हम लोग एच के बाद आने वाले लेटर के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो यहां, जैसे गौरव इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय, गौरव एक ईमानदार लड़का है। अब देखो यहां ऑनेस्ट में देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका पहला अक्षर एच साइलेंट हो। देखिए पहला अक्षर क्या है, एच है। अब ऑनेस्ट का उच्चारण हम कर रहे हैं, ऑनेस्ट उच्चारण यहां से हो रहा है, ऑनेस्ट। एच का उच्चारण ह होता है, हॉनेस्ट हो रहा है उच्चारण। एच का उच्चारण तो ह होता है, होना चाहिए था हॉनेस्ट, लेकिन उच्चारण क्या होता है, ऑनेस्ट। तो एच कौची है यहां पर साइलेंट है, साइलेंट इसलिए क्योंकि एच का उच्चारण ह नहीं हो रहा है, है ना। फिर से समझिएगा, वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसमें एच वहां पर साइलेंट रहे, यानी एच का उच्चारण ह ना हो, तब एच के बाद आने वाले लेटर के अनुसार हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो ऑनेस्ट एक ऐसा शब्द है जिसका पहला अक्षर एच है और एच यहां पर साइलेंट है, यानी एच का उच्चारण ह नहीं हो रहा, ऑनेस्ट यहां से उच्चारण हो रहा है, ओ से हो रहा है ऑनेस्ट। यहाँ पर एच क्या है, साइलेंट है, यानी एच का उच्चारण ह नहीं हो रहा है, जबकि एच का उच्चारण ह होता है। लेकिन ऑनेस्ट एक ऐसा शब्द है जिसमें एच का उच्चारण ह नहीं होता है, यानी एच साइलेंट है, है ना। तो एच के बाद आने वाला लेटर क्या है, ओ है, और ओ क्या है, वोवेल है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। गौरव इज ऑनेस्ट बॉय, गौरव एक ईमानदार लड़का है। जैसे देखो यहां, जैसे मोहन इज आवर लेट टुडे, मोहन आज एक घंटा लेट है। अब देखो यहां, मोहन आज एक घंटा लेट है, तो आवर उच्चारण क्या हो रहा है, यहां से हो रहा है आवर। यहां पर एच का उच्चारण ह होना चाहिए, हावर हो रहा है। यहां पर एच है जो क्या है, साइलेंट है। आवर में, आवर में पहला अक्षर एच है रे बाबू, एच के उच्चारण ह होना चाहिए था, लेकिन आवर एक ऐसा शब्द है जिसमें एच का उच्चारण ह नहीं होता है, यानी कहने का मतलब कि आवर शब्द में एच क्या है, साइलेंट है। एच का उच्चारण आवर होता है, यहां से न उच्चारण हो रहा है, तो एच कौची है यहाँ पर, साइलेंट है, जबकि एच का उच्चारण ह होता है, तो हावर होता है उच्चारण, क्या होता है आवर। तो एच क्या है, साइलेंट है, जबकि एच का उच्चारण ह होता है, तो यहाँ पर एच क्या है, साइलेंट है, यानी एच का उच्चारण ह नहीं हो रहा। तब ऐसे कंडीशन में वैसा शब्द जिसका पहला अक्षर एच हो और एच वहां पर साइलेंट हो, यानी एच का उच्चारण ह ना हो, तब एच के बाद आने वाले लेटर के अनुसार हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो एच के बाद आने वाला लेटर क्या है, ओ है, ओ क्या है, वोवेल है, क्या लगेगा, एन लगेगा। जैसे देखो यहां, जैसे यू आर ऑनरेबल मैन, तुम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, यू आर ऑनरेबल मैन, तुम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। तो देखो यहां ऑनरेबल उच्चारण यहां से हो रहा है, ओ से हो रहा है, जबकि एच का उच्चारण ह होता है, तो उच्चारण ऑनरेबल होता है, ऑनरेबल नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ऑनरेबल हो रहा है, यानी एच यहां पर क्या है, साइलेंट है, क्योंकि एच का उच्चारण ह होता है। तो ऑनरेबल एक ऐसा शब्द है जिसमें एच का उच्चारण साइलेंट रहता है और एच के बाद आने वाला लेटर ओ है, और ओ क्या है, वोवेल है, इसलिए क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ऑनेस्ट, आवर, ऑनरेबल, ये तीनों ऐसे शब्द हैं जिसमें एच का उच्चारण ह नहीं हो रहा है, ये तीनों शब्द में एच साइलेंट है। तब ऐसे कंडीशन में एच के बाद आने वाला लेटर जो भी रहेगा उसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्ट में एच के बाद आने वाला लेटर ओ था, आवर में भी ओ था, ऑनरेबल में भी ओ था, इसलिए क्या लगा, एन। तो ये नियम का हम पालन तब करेंगे कि वैसे शब्द जिसका पहला अक्षर एच हो
और एच का उच्चारण वहां पर ह ना हो यानी एच साइलेंट हो, तब एच के बाद आने वाले लेटर के अनुसार हमें आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वैसा शब्द जिसमें एच साइलेंट हो यानी एच का उच्चारण ह ना हो, तब ऐसे कंडीशन में एच के बाद आने वाले आर्टिकल के अनुसार लेटर के अनुसार हमें आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। अब ऑनेस्ट, आवर, ऑनरेबल, इसमें एच है जो साइलेंट है ना, इसलिए एच के बाद आने वाले लेटर के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इसको नोट कर लीजिए। इसमें भी एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। एयर उत्तराधिकारी, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। एयरेश उत्तराधिकारिणी, इसके साथ एन लगता है, यह क्या है, अपवाद है, इसको याद रखिएगा। जैसे जैसे ही डाइड, वह मर गया विदाउट एन एयर, वह बिना एक उत्तराधिकारी के मर गया, एन लगा है ना। तो एयर और एयरेस, इसका मतलब होता है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब है ना, कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति मर गया तो उसका वारिस कौन हुआ, वो उसका प्रॉपर्टी, उसका संपत्ति का मालिक कौन हुआ, उसे कहते हैं उत्तराधिकारी। इसको नोट करो। रूल नंबर 4, ए तथा एन का प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजेज के साथ किया जाता है। ए तथा एन का प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजेस के साथ किया जाता है, जैसे ए टीम ऑफ, टीम ऑफ के साथ ए लगता है, ए क्राउड ऑफ या ए फॉल्क ऑफ, ए बंच ऑफ, बंच मतलब गुच्छा, ए बेबी ऑफ, ए बेबी ऑफ, लड़कियों के झुंड के लिए ए बेबी ऑफ का प्रयोग करना है, ए गैंग ऑफ, ए सेट ऑफ, ए का प्रयोग हुआ, ए सीरीज ऑफ, ए बैंड ऑफ, को नोट करो तो बतलाते हैं। जैसे पेयर ऑफ के साथ लगेगा, एन आर्मी ऑफ, एन असेंबली ऑफ, ए हॉर्ड ऑफ,
ये सभी फ्रेंच के साथ एक क्राउड ऑफ एक गैलेक्सी ऑफ ये सभी फ्रेजेस के साथ ऑफ का पर एक ए का प्रयोग होता है या एन का प्रयोग होगा। जैसे देखो यहां सेट ऑफ बुक्स हैज बीन बाउट यहां देखिएगा सेट ऑफ आ गया तो सेट ऑफ के साथ ए का प्रयोग करना है। ए सेट ऑफ बुक्स जैसे गैंग ऑफ रॉबर्स डाकुओं का समूह बाज गोइंग टू फॉरेस्ट डाकुओं का समूह जंगल में जा रहा था है ना। तो देखिए गैंग ऑफ आ गया तो गैंग ऑफ के साथ क्या लगता है ये लगता है ये गैंग ऑफ है ना। ढेर विद्यार्थी के लगा कि रॉबर्स बहुवचन है तो यहाँ बेयर होना चाहिए था, यहाँ बुक्स बहुवचन है होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग हुआ, सिंगुलर वर्ब बाज का प्रयोग हुआ। ये सभी सिंटेक्स में पड़ गया क्यों यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ जबकि आपका नाउन है जो प्लुरल है तो क्रिया भी प्लुरल होना चाहिए था, लेकिन क्रिया सिंगुलर में सब सिंटेक्स में पढ़िएगा जो आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है उसको नोट करो। जैसे एक और एग्जांपल देख लो जैसे बेबी ऑफ गर्ल्स लड़कियों का झुंड इज गोइंग टू टेम्पल। बेबी ऑफ गर्ल्स मैंने लड़कियों का झुंड तो देखे यहां बेबी ऑफ के साथ ए का प्रयोग होता है ए बेबी ऑफ गर्ल्स। जैसे बैंड ऑफ म्यूजिशियंस संगीतज्ञों का झुंड बाज गोइंग टू पटना संगीतज्ञों का झुंड पटना जा रहा था। देखिए बैंड ऑफ के साथ ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो हमेशा याद रखिएगा कि दिए गए निम्नलिखित फ्रेज के साथ ए या एंड का प्रयोग किया जाता है असेंबली रहेगा आर्मी रहेगा उसके साथ एंड का प्रयोग करेंगे। इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा याद करना पड़ेगा इसको नोट कर लीजिए। जब देखे यहां रूल नंबर 5 उसी प्रकार से जो फोरम बताए थे कि ए तथा एन का प्रयोग निम्नलिखित फ्रेज के साथ भी किया जाता है इसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे हैव ए नाइस डे के साथ देखिए यहां ए लगा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब सचमुच होता है तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक फ्रेज है देखिए इसके साथ ए का प्रयोग हुआ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सचमुच। उसी प्रकार से इन ए टेम्पर देखिए इन ए टेम्पर एक फ्रेज है ए का प्रयोग हुआ एट ए लॉस एक फ्रेज है ए का प्रयोग हुआ कैच ए कोल्ड फ्रेज है देखिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है ना। हैव ए हेडर एक फ्रेज है ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ हैव एन अपॉर्चुनिटी
हैव एन अपॉर्चुनिटी एक फ्रेज है, इसके साथ एंड का प्रयोग हुआ। हैव ए पेन, यहाँ पर देखिए ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ। एज ए रूल, एज ए रूल मतलब सदा होता है ना, यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। आपका फ्रेज पढ़ना भी है, तीन नंबर में आपको बतलाएंगे। इन ए मूड, देखिए यहाँ इन ए मूड फ्रेज है, इसके साथ ए लगा। ए शॉर्ट टाइम एगो, ए शॉर्ट टाइम एगो फ्रेज है, ए का प्रयोग हुआ। हैव ए रेस्ट एक फ्रेज है, इसके साथ ए का प्रयोग हुआ। हैव ए चांस ना एक फ्रेज है, इसके साथ ए का प्रयोग हुआ। तो ये दिए गए निम्नलिखित फ्रेज के साथ ए या एन का प्रयोग किया जाता है, इसको आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और आपको और बहुत सारे फ्रेज है जिसके साथ ए एन लगेगा, जो आपको फ्रेज खुद ऑलरेडी तीन नंबर का आता है वो पढ़ना ही है, इसलिए जब बतलाएंगे तो और याद हो जाएगा। फिलहाल इतना आप इसको देखिएगा, बाकी कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 21 तारीख को आप लोग को जहानाबाद आ जाइए, जितने भी विद्यार्थीगण हैं, और ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है, और ऑन टाइम आपका सारे चीज समाप्त कर दिया जाएगा, है ना, इसलिए नर्वस होने की जरूरत नहीं है। 30% सरकार आपका सिलेबस भी कम किया है, एक सप्ताह या डेढ़ सप्ताह में आ भी जाएगा वो भी, कि कौन कौन से चैप्टर को हटा दिया गया है, फिर और दम कन्फर्म हो जाएगा कि इस चैप्टर से पढ़ना और इसी चैप्टर से प्रश्न आएगा, है ना, इसलिए 21 तारीख को आइए, मोस्ट वेलकम है आप लोगों को।